कहीं जा रहे हैं, अचानक भूख सी लग गई, रास्ते में किसी दुकान या रेड़ी पटरी पर खड़े हुए और पन्नी में पैक बर्गर पेटीज खा ली। ये कॉमन सी चीज है जो हर इंसान करता है, लेकिन इस तरह के रेडी टू ईट आइटम से आपकी भूख तो मिट जाती है लेकिन सेहत बिगड़ने के चांस, या ये कह लीजिए सेहत बिगड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इन रेडी टू ईट आइटम्स की क्वालिटी का ना तो अता पता होता है ना ही कोई गारंटी या वारंटी होती है। इसलिए ये चीजें खाते वक्त आप अपनी सेहत के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब सड़क किनारे रेड़ी पटरी और दुकानों में मिलने वाले अनब्रांडेड रेडी टू ईट आइटम्स बनाने और बेचने वालों की जिम्मेदारी तय होने वाली है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, ये जानकारी आपके लिए भी बहुत उपयोगी है, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI एक कानूनी गाइडलाइन लाने वाली है, जिसके तहत अनब्रांडेड रेडी टू ईट आइटम्स के रैपर पर यह जानकारी देना जरूरी होगा कि ये फूड कब बना था और वो फूड कब तक खाने योग्य है। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि प्रोडक्ट की कहां से सोर्सिंग हुई है, यानी इसे कहां से लाया गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक रैप के लिए भी फूड ग्रेड का होना अनिवार्य होगा, यानी ऐसे ही किसी प्लास्टिक में उसे रैप करके आपके लिए खाने के रेडी पे भी नहीं मिल सकता वो आसानी से, उसके लिए भी मैंडेटरी अनिवार्य नियम बनाए गए हैं। पैकिंग के ऊपर देनी होगी जानकारी कि कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बताना होगा कि खाने को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, यानी फूड को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद प्लास्टिक रैप में बिकने वाली रेडी टू फूड पर सख्ती हो जाएगी। इसके बाद फूड क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। अब आप अगर इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये अनब्रांडेड रेडी टू ईट आइटम्स होते क्या हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मेरे पास देखिए, ये एक बर्गर है और इसके साथ ही साथ एक सैंडविच है। आप देख रहे हैं ये अभी प्लास्टिक में रैप थे, मैंने इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी इसे अनरैप किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ये मैंने किसी ब्रांडेड स्टोर से नहीं खरीदा है, खाने वाले स्टोर से नहीं खरीदा है, रेडी पटरी से मंगवाया और उसके बाद आपके लिए मैं इसे लेकर आया हूं कि देखिए जरा इस फूड के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो होता क्या है। क्योंकि मेरे पास ये जो बर्गर और सैंडविच है जिसे प्लास्टिक में रैप किया गया था, जिसे लोकल दुकान से मैंने खरीदा, ऐसे बर्गर और सैंडविच रोड साइड रेडियो पर मिलते हैं, ये आपने देखा भी होगा। और ऐसे ही पेटीज और क्रीम रोल जैसी चीजें अनब्रांडेड रेडी टू फूड ईट आइटम में आती है, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता है। ये आइटम्स पहले से ही बनकर दुकानों पर रखे जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। इन पर ना तो इसे बनाने वाले का नाम लिखा होता है, ना ही लिखा होता है कि इन्हें कब बनाया गया, ना ये पता होता है कि इसे कब तक खाया जा सकता है, इसमें कहीं नहीं लिखा है। यानी ग्राहक का लक है कि वो जो अनब्रांडेड रेडी टू ईट आइटम्स खरीद रहा है वो बासी है या ताजा। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक FSSAI के पास बीते कई वर्षों से शिकायत आ रही थी कि कई दुकानदार ग्राहकों को कई दिन पुराना रेडी टू ईट फूड ताजा होने का दावा करके बेचते थे। इतना ही नहीं, FSSAI द्वारा रेडी टू ईट फूड बेचने वाली दुकानों पर छापा मारने पर भी FSSAI की टीम ने कई बार पाया था कि दुकानों पर पुराना बासी रेडी टू ईट जंक फूड ग्राहकों को बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों FSSAI को बाजार में बिकने वाले रेडी टू ईट फूड पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पड़ी है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए, देखिए इसे। बिना ब्रांड वाले सैंडविच, बर्गर, क्रीम रोल खाने वाला अपने स्वास्थ्य का खुद जिम्मेदार है।
चाहे ठेले से लेकर खाएं, चाहे दुकान से लेकर खाएं, चाहे रेस्टोरेंट में बैठकर खाएं, क्वालिटी की नो गारंटी नो वारंटी। ना ये पता कि कब बना, ना ये पता कि कब खराब होगा। अगर आप भी बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, और हो सकता है वो जो आप फास्ट फूड खाते होंगे वो प्लास्टिक के थैली में रैप होकर मिलता होगा कुछ इस तरह से, जैसे ये एक सैंडविच है। अब होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक की इस पन्नी में ये जो रैप होता है, इस पर ये नहीं लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, और ये भी नहीं लिखा होता है कि एक्सपायर कब होगी। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, इनमें डेट्स होती है और ये फ्रेश बने होते हैं। क्वालिटीज़ भी कंपैरिजन करें एज कम्पेरिजन टू लोकल मार्केट्स, वो अच्छे ही होते हैं, और हर तरह की क्वालिटी जो बेस्ट क्वालिटी हो सकती है, जैसे कि चीज़ वगैरह है, हर कुछ बेटर, आलू पैटी जिसे हम कहते हैं, आलू टिक्की, वो अच्छी होते हैं, अच्छे तरह के बंस होते हैं। लेकिन जो दूसरे कंपैरिजन टू लोकल मार्केट्स हैं वो 20 25 30 रुपए के जो आते हैं, उसमें क्वालिटीज़ नहीं होती, ना ही डेट्स लिखी होती है। ये राज हैं, दिल्ली में रहते हैं, रोज इस दुकान से चाय और सैंडविच खाते हैं। दुकानदार बताते हैं कि भाई सैंडविच आज ही बना है, लेकिन सैंडविच का स्वाद ऐसा है कि आधा खाया और आधा फेंक दिया, क्योंकि स्वाद कई दिन पुराने सैंडविच जैसा था। नहीं जी, ये तो नहीं पता, लेकिन खाते रोज हैं, ये नहीं पता होता कब बनाया कब नहीं पता। हमें क्या पता, दुकान वालों को पता होगा कब बनाया कब नहीं बताया। अब हम खाने वालों को क्या पता होगा सर, आप बताओ। ये दिल्ली के केजी मार्ग पर लगी एक रेहड़ी है, यहाँ भी बड़ी छोटी दुकानों की तरह ही सैंडविच, क्रीम रोल, पैटीज, सब कुछ रखा है, लेकिन कब बना कब खराब होगा कुछ नहीं पता। आप में से कई लोग इस तरह का जो क्रीम रोल है उसके बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, और आपको सुबह या फिर शाम को इसके साथ चाय पीना भी पसंद होगा, लेकिन ये क्रीम रोल बना कब था, कब ये एक्सपायर होने वाले, क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं ना, क्योंकि इस क्रीम रोल पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि इसको बनाया कब गया था, मैन्युफैक्चर कब करा गया था, और ये खराब कब होगा। लेकिन जल्द ही FSSAI जो नियम लेकर आ रहा है, उसके आधार पर ये जो क्रीम रोल आपको बाहर दुकानों पर मिलता है, उस पर ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा कि ये कब बना था, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, और ये कब खराब होगा। लंच टाइम में कोई सैंडविच का मजा ले रहा है तो कोई पैटीज का, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये बना कब था और खराब कब होगा। दुकानदार से पूछते हैं तो वो यही जवाब देता है कि साहब आज ही बना था, लेकिन चेक करने का कोई जरिया नहीं, तो जो दुकानदार ने बताया वो मानना ही पड़ेगा। आने वाले समय में लोगों को ये पता लगे कि जो हम खा रहे हैं वो वाकई में हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और जो हम खा रहे हैं वो सही में मतलब हमारे हेल्थ के लिए सही है या गलत है। अगर ये डेट लिखना शुरू कर देंगे तो इनकी जो बिकने वाला सामान है कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा क्या बासी है क्या ताजा है। FSSAI जल्दी ही इस पूरे मामले पर विस्तृत गाइडलाइन जारी करने वाला है। ऐसे में आपकी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत में न सिर्फ FSSAI की गाइडलाइन का पालन होगा, बल्कि लोग भी ताजा रेडी टू ईट फूड का लुत्फ उठाएंगे, और हर वर्ष लाखों लोगों की जान भी बच पाएगी। शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जिमी। जब जुबां चटोरी और दिल बेकाबू हो जाए तो अच्छे और बुरे खाने का फर्क समझ नहीं आता है। ठेलों और दुकानों पर बिकने वाले बर्गर, सैंडविच, क्रीम रोल भले ही 56 भूख का मजा देते हैं, लेकिन जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बेहद महंगा पड़ता है। इस बात का एहसास आपको भी होगा। खराब खाने से मौत के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। भारत में हर वर्ष करीब 15,73,000 लोग खराब खाने से होने वाली फूड पॉइजनिंग से मारे जाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार खाने से होने वाली बीमारियों की वजह के से हर वर्ष भारत पर करीब 1,78,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। जनवरी 2019 में संसद में सरकार ने बताया था कि 2015 से 2018 के बीच पूरे देश में खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए इकट्ठा किए गए करीब 22% सैंपल्स खराब निकले। सोचिए कि ये कितने हैरान करने वाले आंकड़े पेश किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र भी ये मानता है कि खराब खाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है।
खासकर गरीब देशों में। यूएन की रिपोर्ट भी ये बताती है, इसमें ये कहा गया है बकायदा कि पूरी दुनिया में हर वर्ष खराब क्वालिटी के खाने से होने वाली बीमारियों के 60 करोड़ मामले देखने को मिलते हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति खराब क्वालिटी खाना खाने की वजह से आज बीमार है, और खराब खाने की वजह से होने वाले बीमारियों से दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.25 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। WHO भी खराब खाने से होने वाली बीमारियों के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर कर चुका है, और WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि फूड पॉइजनिंग से 200 प्रकार की बीमारियां होती है, और इन बीमारियों में डायरिया से लेकर कैंसर तक शामिल है। खराब खाने का सबसे बड़ा हिस्सा ठेलों और दुकानों पर मिलने वाली वही अनब्रांडेड रेडी टू ईट फूड होते हैं, जिसके ना बनाने वाले का कुछ पता होता है और ना ही ये पता होता है कि वो खाना कितना पुराना है और कब तक खाया जा सकता है। और दुकानदार भी अपनी कमाई के चक्कर में बासी खाने को ताजा बताकर बेच देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो स्वाद स्वाद में जो खा रहे हैं उससे अपनी सेहत को कितना नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। ऐसे भी बहुत बार देखते हैं कि सिंपल एक न्यूज़पेपर में भी खाना रैप करके दिया जाता है, जिसमें कि न्यूज़पेपर की इंक है जो कि कुछ हद तक हेल्थ हैजर्ड क्रिएट करती है, उसमें भी खाना दिया जाता है। तो अगर ये खाना मार्केट में आएगा, उसकी स्टोरेज, उसका टेम्परेचर कैसा है, किस टेम्परेचर पर रखा गया है, ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर इनमें से कहीं पर भी एक भी पॉइंट पर या एक भी स्टेप पे कहीं पे लापरवाही है कि आपने पैकेजिंग तो अच्छी कर दी पर उसको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा, आपने टेम्परेचर में प्रॉपर रखा पर पैकेजिंग ऐसी की कि फूड का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेटिव लेवल बढ़ा कहीं पे, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर ये हुआ तो उससे क्या होगा, जब आप खाएंगे तो जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो बॉडी में आने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, पेट दर्द होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, फीवर, बुखार तक आ जाना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक छोटी सी पहल शुरू करने से कि जिसमें पूरा ग्राहक और जो विक्रेता है उनको अगर पता चले कि हमें कैसे रखनी है चीज़ें, कब तक रखनी है चीज़ें पता रहे, तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मरीजों को, जो लोग हैं उनको अननेसेसरी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहा करते कि घर का खाना ही बेस्ट होता है, बाहर का खाना बीमारियों को न्योता होता है, जिसे बिना किसी नियम कानून के दुकानों और ठेलों पर खुलेआम बेचा जाता है और लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और बीमारियों को खुद ही न्योता देते हैं। लेकिन दुनिया में कई देश हैं जहां ठेला लगाना और अनब्रांडेड फास्ट फूड को बेचने वाले भी हाइजीन और खाने की गुणवत्ता का पूरा ध्यान देते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि वहां की सरकारें अपने नागरिकों के राइट टू हेल्दी फूड का पूरा ख्याल रखती है। यानी उन्हें एहसास है उन सरकारों को भी कि उनके नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए क्या खाने के लिए गुणवत्ता होनी चाहिए, खाने की गुणवत्ता का वो ख्याल रखते हैं। इटली में स्ट्रीट फूड कॉर्नर चलाने वालों को बकायदा एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है, जिसमें खाने की सेफ्टी और हाइजीन से जुड़ी चीजें सिखाई जाती है। ब्रिटेन में स्ट्रीट फूड कॉर्नर खोलने के लिए फूड हाइजीन सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, और ये तभी मिलता है जब स्ट्रीट फूड कॉर्नर में काम करने वाला हर कर्मचारी एक खास कोर्स पूरा कर लेता है। लेकिन इन देशों के मुकाबले भारत में स्ट्रीट फूड बेचने वालों का क्या हाल है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब भारत में भी अनब्रांडेड फास्ट फूड को बेचने के नए नियम लागू होने वाले हैं, लेकिन ये कितना फिजिबल है और भारत जैसे देश में कितना प्रैक्टिकल है, ये भी समझना जरूरी है। तो सुनिए एक बार इसे। जो निर्माता है, निर्माता के यहाँ से कोई भी सामान इन दो चीज़ों के बिना ना निकले। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ये नियम लागू हो, उस नियम को लागू करने से पहले जो सामान स्टॉक में रखा हुआ है निर्माता के पास अथवा दुकानदारों के पास, या जो सामान पाइपलाइन में है, उस सामान को लिक्विडेट करने का एक सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए। और जैसे आज मान लीजिए हम सरकार निर्णय करती है कि इस कानून को लागू करना है, तो ये कानून कम से कम 3 महीने बाद लागू हो, और 3 महीने का पीरियड दिया जाए मैन्युफैक्चरर को भी और बाकी लोगों को भी, अब कि फर्दर
आप अब जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें ये होना चाहिए मैंडेटरी। ये टाइम केवल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जो स्टॉक आपके पास में है या जो स्टॉक सप्लाई लाइन में है वो स्टॉक लिक्विडेट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा, इसको अमली जामा पहनाने के लिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से बात करी जाए, वहीं जो हमारे ट्रेडर्स की एसोसिएशंस है उनसे भी बात करके और एक समग्र रूप से पॉलिसी बने, तो मैं समझता हूँ कि देश को फ़ायदा होगा, व्यापारियों को और निर्माता को फ़ायदा होगा और अंततः हमारे उपभोक्ता को भी फ़ायदा होगा। वैसे मज़े की बात तो ये है कि हमारे देश में स्ट्रीट फूड के दीवानों को हाइजीन और खाने की क्वालिटी से कोई मसला होता भी नहीं है, बस जीव को स्वाद आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तभी तो अक्सर कहा जाता है कि गोलगप्पे का स्वाद तभी है जब गोलगप्पा खिलाने वाला अपने गंदे हाथों से खिलाए। हमारे देश में उन्हीं ठेले खोमचों पर लोगों की भीड़ जुटती है जहाँ मक्खियाँ भिन भिन कर रही होती हैं और हाइजीन का कोई खास ख्याल ना रखा गया हो, और लोगों को भी तब तक इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती जब तक ऐसी जगहों पर खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग ना हो जाए या वो बीमार ना पड़ जाए। अब समझने वाली बात तो यह है कि सरकार भले ही अनब्रांडेड रेडी टू ईट फूड की पैकिंग पर हाइजीन और बेस्ट बिफोर की जानकारी देना जरूरी कर दे, लेकिन क्या हम, ये सवाल आपसे और मुझसे भी, हम सबसे, कि क्या हम खाने वाले लोगों को इससे फर्क पड़ेगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दुकानदार और रेहड़ी खोमचे वाले इस नियम का पालन करेंगे? इस सवाल का जवाब आपको भी तलाशना है और मैं भी तलाश रहा हूं। Zini